यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलकियारा से डडाल गांव के बीच में निर्माणाधीन सुरंग में बीते रविवार तड़के हुए हादसे में तकरीबन 40 मजदूर फंसे हुए हैं। मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि आज गुरुवार को मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। सुरंग में आए मलबे में जैक एंड पुश अर्थ ऑगर मशीन के जरिए पहला पाइप डाला जा चुका है, जिसके बाद अब ड्रिलिंग का काम लगातार जारी है। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री बीके सिंह और पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने उत्तरकाशी के सिलकियारा में साइट पर पहुंचकर निरीक्षण किया है और रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली है। इसके साथ ही उन्होंने हादसे की भी समीक्षा की, साथ ही रेस्क्यू कार्यों में अधिक तेजी आए और मजदूरों को सुरक्षित निकाले जाने के निर्देश भी लगातार दिए जा रहे हैं। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। हमारे लोग उसके और दूसरी तरफ जो हिस्सा है तकरीबन 2 किलोमीटर का, उसके बीच में, और इस 2 किलोमीटर के हिस्से में लाइट भी है, पानी भी है, हम खाना भी भेज रहे हैं और उनसे बात भी कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि हमारे लोग सुरक्षित रहें, हमारी प्राथमिकता है कि हम उनको जल्दी से जल्दी निकालें, और उसके लिए सब तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर, हमारे सड़क परिवहन मंत्री जी से लेकर, हमारे मुख्यमंत्री जी से लेकर जितनी भी एजेंसीज हैं, सबके सब इस कार्य के अंदर लगे हुए हैं और सबका हमको बहुत अच्छा सहयोग और समर्थन मिला।